Hello, I'm Qasim Saeed, head of IT department, and feel honored to be a part of Programmer Force. Today, I will gonna give you some tips how you should proceed your career in IT and network department. जी, फर्स्ट एडवाइस मैं ये करूँगा कि जब भी आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्राई करें कि अपना करियर वेंडर साइड से स्टार्ट करें. वेंडर साइड मींस के आप डिफरेंट क्लाइंट्स पे विजिट करेंगे और मल्टीपल नेटवर्क्स पे आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा. ऑन अदर हैंड, अगर आप अपना करियर क्लाइंट साइड से स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लेट्स से कि जो आप 3 ईयर्स में हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अगर आप वेंडर साइड से करेंगे तो मेरे ख्याल से वो विद इन 6 मंथ आप अचीव कर सकते हैं. तो ये लाजमी हमें कंसिडर करना चाहिए. सेकेंड एडवाइस मैं ये करूँगा कि जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इनिशिएटिव्स लें और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसमें मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करें. प्लस जो ट्रबल शूटिंग है उसमें आपका मैक्सिमम टाइम स्पेंड होना चाहिए. अगर आपको वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, तो उसका अल्टरनेट आप ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे पैकेट ट्रेसर है, GNS है, आप उस पर भी डिफरेंट सिनेरियोज वगैरह क्रिएट करके तो अपनी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं. तो ट्रबल शूटिंग जो है वो मस्ट होनी चाहिए. फॉर द लास्ट 10 ईयर्स मैं डिफरेंट नेटवर्क इंजीनियर्स के इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए हैं. मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्पावरमेंट से रिलेटेड काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं न्यूकमर्स को, कि उनके पास अथॉरिटीज़ नहीं होती कि वो सिस्टम में किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट ला सकें या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकें. तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको इस चीज़ को ओवरकम इस तरह कर सकते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन लाजमी करें कि आप लोगों का कल्चर किस तरह का है और क्या मेरे पास राइट्स होंगे. अगर मैं कोई इनिशिएटिव लेता हूँ या कुछ चेंज मैनेजमेंट करना चाहता हूँ तो क्या मैं कर सकूँगा, या जो मुझे डायरेक्ट मैनेजर्स होंगे उनकी एडवाइस पे ही मुझे चलना पड़ेगा. और एक चैलेंज जो न्यूकमर्स को फेस करना पड़ता है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है. आई थिंक जो न्यूकमर्स होते हैं वो अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते. तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप ऐसे ओवरकम कर सकते हैं कि जब आप लास्ट डे आपका होता है, नेक्स्ट डे के लिए आप प्रॉपरली उस डे को प्लान करें कि आपने कितने आवर्स जो हैं वो किस एक्टिविटी में स्पेंड करने हैं, कितने आवर्स आपने इम्प्रूवमेंट में स्पेंड करने हैं. तो इस तरह आप इसको ओवरकम कर सकते हैं. मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेशंस क्या हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियली CCNA और CCNP लेवल की सर्टिफिकेशन की तरफ आपको जाना चाहिए. लेकिन जब आप जॉब स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा फोकस जो है वो अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे स्पेंड करना चाहिए. अगर मैं इसको रेट करूँ तो 30% आपको तब अपना फोकस सर्टिफिकेशंस पे रखना चाहिए, लेकिन 70% जो है वो आपका फोकस अपनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को एनहांस करने पे होना चाहिए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर रह सकते हैं. स्पेशली जो न्यूकमर्स होते हैं उनको ये इश्यूज काफ़ी फेस करने पड़ते हैं. तो आप कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं कि आप जो भी ऑपरेशंस वगैरह आपके चल रहे हैं उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाली अप्रोच अपनाएं कि आपके अगर ऑपरेशन ठीक भी चल रहे हैं तो कंटिन्यूस उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं और आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह के बारे में लर्न कर सकते हैं. 3 चीज़ें मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आपको लाजमी इस ट्रेंड्स को फोकस करना चाहिए. 1, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. 2, क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड 3, AI एंड मशीन लर्निंग इन योर डेली IT ऑपरेशंस. आई होप ये टिप्स आपकी ग्रोथ में और आपके कैरियर में वैल्यू ऐड करेंगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी. थैंक यू.